अभी अरूज ने आपको ब्रेक में जाने से पहले बहुत अच्छी दानाई की बातें बताई थी। आई थिंक कि अरूज के साथ जब बंदा बैठता है तो अपने आप में थोड़ी सी आपको कोई ना कोई हरकत आप कर रहे होते हैं ना, इधर उधर ट्वीच कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आप सीख लेते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए भी बात थी कि जिस वक्त शादी करना खबरदार, जब भी शादी करना खबरदार, कोई जहेज लेने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को इस काबिल करो और उसके बाद फिर लड़की को घर लेकर ना। मैंने गाड़ी मांगी हुई है, ना मैंने एक कनाल मांगा हुआ है कोठी, ना मैंने फर्निश्ड कमरा मांगा हुआ है, मतलब ये सारी वो बातें जो मैंने बिल्कुल नहीं मांगी हुई है ना। तो मांगा क्या है ये बता दो, वो एक लंबी लिस्ट है वो अलग है। एनीवेज रूज, आपको मैं और व्यूअर्स को साथ कनेक्ट करें, आप तो खैर उसका पार्ट ही थी। हमने एक हिस्टोरिक डे मनाया था जिसका नाम था प्यार प्लस, वी मेड हिस्ट्री। एग्जैक्टली 14th February 2011 में हमने इसको सेलिब्रेट किया था और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, इससे पहले कभी टेलीविजन पे ऐसा हुआ नहीं हुआ था। हमने एक लाइव ट्रांसमिशन के अंदर 7 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन में चार शादियां करवाई थी, शादीशुदा जोड़े निकाह करवाए थे और इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन। इतनी वो फेस्टिविटी का माहौल था, इट वाज सो मच फन। मुझे लग रहा था कि ए प्लस जो है वो हमारा घर है, जो कि है, और हमारे घर के अंदर चार शादियां थी, इतनी जिम्मेदारियां थी और इतना मजा आया था उस दिन। और 7 घंटे के बाद बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी, हालांकि सब पिछली रातों के जागे हुए थे और वो खत्म होने के बाद ऐसे ही लग रहा था कि आपको वाकई में आपको बहुत खुशी हो रही है दिल से कि आपने कुछ अचीव किया है। आई थिंक उसकी कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं व्यूअर्स को, यादें जो हैं बड़ी मजेदार सी उनको ताजा करते हैं और आपको दिखाते हैं वो जो एक बहुत अहम दिन था। प्यार प्लस ट्रांसमिशन की कुछ झलकियां। आपने देखी बहुत ही खूबसूरत सी वो यादें जो हम लोगों ने उस दिन इकट्ठे बैठ के, और बहुत वही जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि शादी का समा था और अपने घर में जिस तरह से शादी हो रही होती है बिल्कुल उसी तरह से तैयारियां थी और उसी उतनी ही खुशी थी। और ये लोग जब यहाँ पर आते हैं तो यकीन करें लगता नहीं है कि इन लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात है, लगता है हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं और एक खास बंधन बन जाता है। हमें यकीन है आपको भी ऐसा लगता होगा, ऐसा ही है ना। तो बस आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह की ज़ात आपको बहुत खुश रखे, बहुत सी खुशियां दे, एक दूसरे की इज्जत करना हमेशा, और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप रिश्तों में इज्जत दें, और वो अगर है तो फिर सब कुछ है, मोहब्बत और केयर और ये सारी चीज़ें तो होती हो जाती हैं। मगर ये कि ये ठीक है ना यार, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी बता दो, अभी से 9 दिन गुजरे हम कुछ कर लेंगे। नहीं, वो इतना खुश है, 5 साल की मोहब्बत, अधूरी मोहब्बत हुई मुकम्मल, फिल्मी स्टोरी है। अल्लाह की जात आपको बहुत सारी खुशियां दे, विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। और कुछ देखने वालों को कहना चाहोगे आप लोग, कोई बात कहना चाहोगे? नहीं, कुछ कहना चाहते, आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं ए प्लस की टीम को कहना चाहता हूँ, ए प्लस की टीम दिन तुगनी रात तुगनी तरक्की करे,
A+ जिंदाबाद। A+ जिंदाबाद जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी हमें रुकना है, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज जो दिन है वो भी सेलिब्रेशन का है, फेस्टिविटी का है, इट्स बर्थडे टाइम या, और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात है। ये हाँ कबूल है तो अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे प्रोग्राम्स जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया और बहुत अपना मुकाम बनाया, जिसे कहते हैं ना चैनल को कायम करने में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ड्रामास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आज हमारे साथ होंगे जिनसे हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और आपसे मुलाकात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादा किया गया था कि आज तो दिन ही सेलिब्रेशन का है, पहली एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मुलाकात करानी, क्योंकि इस एक साल के छोटे से अरसे में हम लोगों ने, यानी A+ ने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जिनके आइडियाज़ जो थे वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहे थे, बाकी मुल्कों में या बाकी चैनल्स के ऊपर, एज एन इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर तो हुए हैं, मगर हमारे मुल्क में एक चांस लिया गया और बहुत सक्सेसफुल रहे। एंड एज आई ऑलवेज से, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अस और द होल टीम, इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोगों ने जो साथ दिया और इस सफ़र में हम सफ़र रहे और आज माशाल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं और पहला माइलस्टोन जो है वहाँ तक पहुँच के कामयाबी महसूस हो रही है, फील हो रही है और उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो हम हमारे गेस्ट्स हैं और हमारा प्रोग्राम गेस्ट है, जो अभी जो इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं जी, वो मेरे ख्याल से सब खासतौर पे यूथ का बहुत फेवरेट प्रोग्राम होगा। आपका भी बहुत फेवरेट था, आप भी चाह रहे थे कि इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाह रहा था कि मैं, क्योंकि आप मर्द थे, मैं नहीं कर सकता। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं जी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग डुओ, मैं जिनको कहता हूँ हमेशा से, इंट्रोडक्शन में हमेशा ऐसे देता हूँ, मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं, इनके साथ मैंने काम भी बहुत किया हुआ है, शुएब और सादिया। और ये शुएब और सादिया का जब नाम आता है तो जहन में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे इन्होंने काम किए, मगर आजकल जो इन प्रोग्राम है और जिसके बारे में हर तरफ बात भी हो रही है, लोग थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, जाहिर बात है जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो लोग जेलस होते हैं और जब जेलस होते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म आ जाता है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तो नाम, जिस प्रोग्राम का नाम हम लेना चाह रहे हैं वो है रैम की रानी कौन, जिसका ग्रैंड फिनाले आपने कल रात को देखा और आपको पता तो चल गया है कि कौन है रैम की रानी, मगर सादिया और शुएब हमारे साथ हैं, बातें मेरे ख्याल बाद में करेंगे, इंट्रोडक्शन तो हमें दे रहे हैं। हम मजीद जो हमारे गेस्ट, कुछ ऐसे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बगैर ये शो मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कोई भी शो लेकर चलते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं, एक टीम होती है, कुछ लोगों के बगैर कुछ काम हो भी सकता है, मगर चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो की होते हैं उस शो की। एंड ऑब्वियसली जिनका अभी मैं इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ, शी इज़ ट्रूली दैट की, जिसकी वजह से
लिए सक्सेसफुल रहा और मैं बताती चलूँ आइडिया कंसल्टेंट भी थी वो इस प्रोग्राम की पीआर और एट द सेम टाइम स्टाइलिस्ट, वन ऑफ द लीडिंग स्टाइलिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उनके हाथ से दुल्हन जरूर बने। जी हमारे पास साथ हैं एलेनोराज एनी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ अभी बात मजीद जाहिर है, बातें तो अब आज हमारे साथ हैं तो बातें तो होंगी, मगर उनके साथ जो अब हमारी एक प्यारी सी गेस्ट हैं तो बहुत यंग सी, मगर फाइनली शी इज़ द विनर, शी इज़ द रैंप की रानी। इन्होंने जीता है और बहुत मेहनत के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ। एंड एज सादिया एंड शुएब ऑलवेज सेड टोल्ड मी एंड ऑलवेज सेड दैट इन द शो व्हेन दे केम हियर कि बहुत कमिटमेंट के साथ जो है इन्होंने काम किया। हमारे साथ हैं सदफ कंवल, वेलकम टू द शो एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। दो बातों पे कंग्रेचुलेशन, एक तो ये कि आप जीत गए और दूसरा ये कि हम जीत गए आज एक साल डबल द सेलिब्रेशन बन गया, डबल डबल सेलिब्रेशन। सो हाउ आर यू पीपल फीलिंग? सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, ख़त्म हो गया कल रात को ग्रैंड फिनाले हुआ और कहते हैं ना ये मुझे लग रहा है कि ऐसी फीलिंग होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ फिर उसको पाला और फिर उसको जवान करके तो अपनी शादी कर दी। रुक से तो सबसे बड़ा मसला ये था कि शादी पहन ली, मतलब ये था कि शादी किनके यहाँ की। प्रॉब्लम ये थी कि लाहौर से एक थी लड़की कराची से थी और इससे पहले एक इशू बन चुका हुआ था कि ये लाहौर बेस्ड प्रोग्राम है तो कराची की लड़की को नहीं जीतने देंगे। जब अब सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है वो ये कि सिर्फ इस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए तो नहीं ना। I was sitting जब हम लोग बात कर रहे थे तो समाहीन थी मेरे साथ शहजाद और मैं, तो इसको भी इस चीज़ का आइडिया है शुरू में। आपने जब टीवी में भी देखा कई लड़कियाँ रो रही हैं और कुछ कह रही हैं। देखिए मेरा नाम एज अ ब्यूटिशियन तो शायद आपने जितना सुना है लेकिन एक चीज़ और भी है जो आप मेरे बारे में पूछेंगे, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं किसी को फेवर नहीं करती कभी। बात ये कि जैसे हम बात हुई तो जिंदगी में मुश्किलें भी बड़ी आती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह मियाँ आसान करता है, जितनी मुश्किल डालता है उससे ज़्यादा आसानी आपको पैदा करता है अगर आपके अंदर हिम्मत है। और अगर आप ये नहीं सोचते कि जिंदगी में मुझे कभी कुछ मुश्किल नहीं लगा, टफ लगना और चीज़ है और ये लगना कि ये कर नहीं सकते, मेहनत करें तो अल्लाह मियाँ से दुआ करें हर चीज़ हो जाती है। अब बात ये थी कि इसमें मैं इसको भी ये भी समझा भी रही थी कि देखो इस प्रोग्राम में शहजाद ने नहीं देखा था कि मैंने किसको क्या करना है, नहीं आप क्या कह रही हैं क्या करूँगा, मैंने देखा तुम मैंने कभी कुछ गलत चीज़ की है तो तुमसे कुछ और कराऊंगी। एक लड़की इस काबिल है कि वो शहजाद का कॉन्ट्रैक्ट जीत सके, जीतने के बाद भी एक जगह एज ए पार्टिसिपेंट आना एक और बात है।